अब इसमें पहली क्या पूछ रही है, पहली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। पहली वांट्स टू नो, जानना चाहती है कि इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है क्या सेम है, अगर सेम हो तो सेल्स के अंदर, प्लांट्स के जो सेल्स के अंदर, एनिमल्स के सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर कैसा हुआ है वो जानना चाहती है। तो न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज, अच्छी पूरी तरह से न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं हुआ होता है। लाइक द सेल्स ऑफ, जैसे मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होती है उनकी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होता है, वैसे वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। तो देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं होती उसकी, द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो सेल सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रहता, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, प्रोकैरियोटिक सेल। द ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या है, आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर जो भी न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स। द सेल लाइक ओनियन सेल्स एंड चिक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, इनके अंदर क्या होता है, ओनियन सेल्स के अंदर, चिक सेल्स के अंदर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उधर, देन बैक्टीरिया को छोड़ के, ब्लू ग्रीन एल्गा को छोड़ के, उनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, उनको क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा ओनियन सेल्स को अंडर द माइक्रोस्कोप के अंडर में, और डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म, एक ब्लैंक स्ट्रक्चर दिखा होगा, लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म के अंदर, इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, वैक्यूल्स होते हैं नॉन लिविंग फ्लूड फील्ड स्पेस होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग फ्लूड फील्ड स्पेस होते हैं, बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक्सेस वाटर हुआ, फूड हुआ, पिगमेंट्स हुआ एंड वेस्ट प्रोडक्ट हुआ, ये स्टोर होता है किसके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर, किसके अंदर स्टोर होगा ये सब कुछ, वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज एन इन ओनियन सेल्स, चिक सेल्स और स्मॉलर वैक्यूल्स, और लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स। लार्ज वैक्यूल्स किसके अंदर देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, और एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म, आपने नोटिस किया होगा जब आपने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा होगा, यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रेस्केंटिया लीफ, को जब आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड, क्या नजर आई आपको, प्लास्टिड, ठीक है। अब प्लास्टिड्स क्या होती हैं, प्लास्टिड्स होते हैं बेटा ऐसे सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट होता है एंड ल्यूकोप्लास्ट होता है, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, और तीनों का जो कलर्स होता है ना वो अलग अलग कलर का होता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल दैट ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना उनके पास कैसा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल को क्या, क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, और जिसकी वजह से वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं और अपना भोजन बना सकते हैं। और क्रोमोप्लास्ट आर जनरली फाउंड इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के अंदर फाउंड होते हैं, ये कौन, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। दीज प्लास्टिड्स इम्पोर्ट कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। अब थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, आर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, दिस प्लास्टिड स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन की फॉर्म में फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स आर क्लोरोप्लास्ट, और दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, और यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इन एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मैंने आपको जो प्लास्टिड होते हैं उसके तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, मैंने आपको बताया। टॉपिक 8.6 है कंपेरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, कंपेयर करना है। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4 को अगर आप दोबारा देखते हो, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर आप क्या क्या
क्या क्या आप कंपेयर बता सकते हो? आओ देखते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर कंपेयर है। एनक्लोज्ड बाय अ थिन लिविंग मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ प्लांट सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ रिज्ड थिक डेड सेल वॉल। क्या होती है? एक सेल वॉल होती है। किसके अंदर होती है? प्लांट सेल के अंदर होती है। अब वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट। एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट भी हों तो स्मॉल साइज के प्रेजेंट होंगे। और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? कंटेन्स वन और मोर वैक्यूल्स बींग लार्ज और द वैक्यूल्स पुश द साइटोप्लाज्म टू द पेरीफेरी। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो या तो एक होगा और या फिर मोर वैक्यूल्स होंगे और लार्ज साइज के होंगे, ठीक है। और एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस इज जनरली एट द सेंटर, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में होगा, और प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस इज जनरली एट द पेरीफेरी, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। स्टोर्स, एनिमल सेल के अंदर स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और प्लांट सेल की फॉर्म में स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेंगे। एनिमल सेल के अंदर एनिमल सेल आर जनरली मच स्मॉलर इन साइज। एनिमल सेल साइज में क्या होती है? स्मॉल होती है कंपेयर देन प्लांट सेल। प्लांट सेल आर लार्जर देन द एनिमल सेल, ठीक है। तो ये कंपैरिजन था। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 8.4, यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7 ए और बी। लेट अस टैबुलेट द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंग्विश। अभी मैंने बताए फीचर्स कौन कौन से होते प्लांट एंड एनिमल सेल्स के अंदर। ओनली अ फ्यू फीचर्स आर मेंशनड, यू मे ऐड मोर इन टेबल 8.1, ठीक है। अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि प्लांट सेल के अंदर ये चीज़ें होती या नहीं होती हैं, और एनिमल सेल के अंदर ये चीज़ें होती या नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट बेटा। अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो। ओके।